दोस्तों आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले से ये तीन खिलाड़ी हुए बाहर, चेन्नई को लगा बड़ा झटका। आखिरकार वे कौन से तीन खिलाड़ी है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप भी सीएसके के बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सीएसके से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2024 का शुरुआत 22 मार्च से होने वाला है, जिसमें पहला ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों पहले खिलाड़ी को लेकर बात करें जो आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले को मिस कर सकते हैं, वह है डेवोन कानवे। दोस्तों आपको ये बता दें कि आईपीएल 2023 में यह जिस तरीके का प्रदर्शन किए थे, ऐसे में उम्मीद यही था कि वह आईपीएल 2024 में भी वैसा ही प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों यह आईपीएल 2024 से पहले ही इंजर्ड हो गए हैं। अभी तक इनको आईपीएल 2024 से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वह पहले मैच में नहीं खेलने वाले हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है शिवम दुबे। दोस्तों आपको ये बता दें कि यह भी पहला मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी वह इंजर्ड चल रहे हैं और खबर यह भी है कि आईपीएल के शुरुआती दो तीन मुकाबले को यह मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में यह चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि शिवम दुबे चेन्नई के एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। ऐसे में वह पहला मुकाबला नहीं खेलते हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि इनके जगह पे कौन से खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देते हैं पहले मुकाबले में। वही दोस्तों अब तीसरे खिलाड़ी को लेकर बात करें जो आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले को नहीं खेलेंगे, वह है मोइन अली। मोइन अली बेहद ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है चेन्नई सुपर किंग के लिए, और वह कई वर्षों तक चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले हैं, जिसमें उन्होंने कई बार अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में वह शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलने वाले हैं। दोस्तों इसका वजह यह है कि चेन्नई सुपर किंग में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में टीम में इनके लिए जगह नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों यह कुछ चेन्नई के बड़े खिलाड़ी है जो पहले मुकाबले के लिए आरसीबी के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले है। ऐसे में दोस्तों इनके जगह पर किस खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग को खिलाना चाहिए आरसीबी के खिलाफ, आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही सीएसके से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।